मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेहतमंद रहना, स्वास्थ्य अच्छा होना किसे नहीं पसंद, लेकिन अगर हम बीमार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं फिर इलाज करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मौसम के हिसाब से अपना ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप बीमार नहीं होंगे। इसलिए जानना ज़रूरी है कि अभी बरसात का दिन चल रहा है तो इसमें आप कौन सी चीज़ें खाएं, क्या ना खाएं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो आइए हम जानते हैं कि मानसून में क्या खाया जाता है, नहीं खाया जाता। वैसे तो बारिश का मौसम, जहाँ गर्मी से राहत तो मिलती है वहीं यह मौसम बीमारियों से ज़्यादा होने की वजह भी बन जाता है। बरसात के लिए हमें इन दिनों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें ज़रूर पता होना चाहिए हर मौसम के बारे में। तो इसमें बरसात का मौसम चल रहा है तो हम जानेंगे कि क्या खाएं, क्या ना खाएं। और मौसम में हम अपनी जीभ की वजह से कई बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं, और भला जीभ किसके बस में होती ही है, क्योंकि इस बरसात के मौसम में हमें चटपटा कुछ गर्मा गर्म खाने का मन ही करता है और हमारा पेट जो है इस मौसम में काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है और वह खाने को सही तरह से पचा नहीं पाता है, जिस कारण बाहर का खाना खाने और फास्ट फूड खाने से हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि मोमोज में बिना तेल मसाले का उपयोग होता है और इसे खाना अच्छा रहेगा तो बरसात के दिनों में इसे ना खाएं, क्योंकि ये उबला हुआ मैदा ही होता है जो पाचन तंत्र के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप जो नमक है वो सफ़ेद नमक और मैदा और शक्कर, ये तीनों चीज़ें हमारे सेहत के लिए जहर हैं, इसलिए सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करें और आप आटा ही खाएं। आप और किसी अनाज का आटा बना करके खा सकते हैं और नमक ये खाइए, आप सेंधा नमक खाइए, ऐसे नमक मत खाइए। मैदे का इस्तेमाल इस समय बिल्कुल मत करिए। और अगर आप पत्ता गोभी और पालक इस दिनों में मौसम के में खाने का विशेष ध्यान रखें, पालक और पत्ता गोभी में कीड़े और अंडे हो जाते हैं जिसके कारण हमें ये नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए। बरसात के मौसम में थोड़ी ऐसी हरी सब्जियां जिनमें कीड़े पड़ने का डर हो, करेला इत्यादि, ये नहीं खाना चाहिए। तरबूज नहीं खाना चाहिए, खरबूजा बरसात में बंद कर देना चाहिए ये सब चीज़ें खाने। और फास्ट फूड के लोग शौकीन जो सड़कों के पास में जो बिक रहे नूडल्स आदि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस समय जो गंदा पानी होता है उसी में उबाल देते हैं और उसको उबाल करके तो स्वच्छ करके फिल्टर पानी तो यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए आप अपने को बचाना चाहते हैं क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ख़राब तेल मिला देते हैं, वही तेल बार बार यूज़ करते हैं, इसलिए आप बाहर की चीज़ों को खाने से बचें। चाट के लोग बहुत ही मज़े लेते हैं, शहरों में ज़्यादातर चाट सड़कों के किनारे बिकती हैं। इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो गंदा पानी है, पानी और आलू आपकी तबीयत को जल्दी ख़राब कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है आपके पेट में, बड़ी बीमारी भी बन सकती है। पकौड़े, बरसात के दिनों में चाय के साथ लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप बाहर के ना खाकर अगर आप खुद घर में आप अच्छे तेल का, रिफाइंड का यूज़ ना करें, आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली का तेल और सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन ना खाएं। मशरूम की सब्जी ये बरसात में खाने से बचना चाहिए, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात के दिनों में। फलों का जूस जो है वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आप बरसात के दिनों में खुले हुए आप फलों का जूस ना पीजिए तो अच्छा होगा। पानी पूरी कौन नहीं खाना चाहता है, लेकिन इस समय अगर आप खाएंगे तो गंदे पानी में वो लोग बनाएं कैसे और किस तरह बनाते हैं ये आपको पता नहीं होता, इसलिए आप घर पे ही बनाकर खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, साफ़ सफाई का ध्यान रख करके। नहीं तो आपको डायरिया हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द, टाइफाइड, भूख नहीं लगेगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए आप अपने को ज़रूर बचाइए। समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, बाहर की जो भी खाते हैं आप उन्हें अवॉइड करिए और घर का ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग खाने में करें। और बरसात के दिनों में कच्चा सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में इनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और कीड़े हो जाते हैं और जो हम इन्हें देख नहीं पाते, इसलिए आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। और अब हम बात करेंगे क्या खाना चाहिए बरसात के दिनों में, क्या पीना चाहिए। हर्बल ग्रीन टी की बात करें, मानसून के मौसम में हर्बल टी को पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे अच्छी सेहत के लिए हर्बल टी किसी भी मौसम में बहुत अच्छी होती है, और आप चाहें तो, आपके पास नहीं है तो आप अदरक, काली मिर्च और शहद भी मिला करके इसे पी सकते हैं। सूप आप बारिश के दिनों में आप पी सकते हैं, अच्छा रहेगा। लहसुन आप
लहसुन का उपयोग करके आप सूप अगर पियेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो अपने घर में आप कुछ अच्छा बना करके खा सकते हैं। और कड़वे और खट्टे स्वाद वाली सब्जियां फल बरसात के दिनों में ज़रूर खानी चाहिए हो सके तो। मानसून में आसानी से मिलने वाली ये सब्जी बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। विटामिन सी मौसम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। यह आपको बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इसलिए इस मौसम में नींबू और मौसमी आदि खट्टे फलों को डाइट में अपने ज़रूर शामिल करें। और ड्राई फ्रूट्स जिंक और विटामिन ई से भरपूर होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए अपनी डाइट में एक मुट्ठी सूखे मेवे ज़रूर खाएं और शरीर को अंदरूनी ताकत मिलेगी और बाहर के बदलते मौसम का आपके शरीर पर प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। तुलसी की बात करें, बारिश के दिनों में तुलसी की 3-4 पत्तियाँ आप रोज़ खाएँ, बहुत अच्छा होगा। और आप ग्रीन चाय बनाते हैं तो चाय में भी डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा। तुलसी वाली चाय पीजिए गुड़ के साथ में, और बढ़िया रहेगा। बारिश के दिनों में चटपटा और बाहर की तली भुनी चीज़ों को खाने से ज़रूर बचें। ये चीज़ें आपके जीभ के स्वाद तो 2 मिनट के लिए, 2 सेकेंड के लिए जीभ का स्वाद होगा, लेकिन वो पेट में जाकर कितनी हलचल मचा सकते हैं आपको नहीं पता। इसलिए आप अपने सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।